हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर। आज हम सीखेंगे कमीज की सिलाई करना। मैंने कमीज को पहले से कटिंग कर रखा है। अगर आप इसकी कटिंग सीखना चाहते हैं तो एक कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी कमीज कटिंग की भी वीडियो डाल दूँगी। फिलहाल मैं आपको सिलाई की वीडियो दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम बाजुओं को अलग हटा लेंगे और हम नाप देखेंगे। नाप हमारा चेस्ट जो है इसकी 20.5 इंच, कमर जो है हमारी वो है 17 इंच, और जो हिप है वो है 20.5 इंच। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको कपड़े को इसको साइड में हटा देंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इससे हम एक पट्टी काट लेंगे 2 इंच की। और जो हमारा फ्रंट और बैक हिस्सा है, हम फ्रंट वाले हिस्से को आप देख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंच छाटते हैं, इस वाले हिस्से को और बैक वाले हिस्से को अलग कर लेंगे। और जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास, उससे 2 इंच की हम एक पट्टी काटेंगे। फिर हम इस कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे और देखिए इस तरह से हम तिरछा बिछा लेंगे। मैं अंदाजे से 2 इंच की पट्टी काट लूँगी। आप चाहे तो इंच टेप से नाप कर चौक से मार्क करके फिर काटिएगा, मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये पट्टी को कट कर लिया है। हम नाप लेंगे, ये 2 इंच की पट्टी एकदम परफेक्ट कट कर आई है हमारी। अब हम फ्रंट वाले हिस्से को लेंगे, इस कपड़े को साइड में हटा देंगे और इस तरह से शोल्डर को हम मिलाते हुए इसको बिछाएंगे। हम इसको बराबर मिला लेंगे, एक सूत भर का भी फर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल हम मिला लेंगे इसको चारों तरफ से। आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, अच्छे से मिला लिया है इसको। चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं, मैं बिना प्रेस के ऐसे ही कट कर लूँगी। अब आप मान लो आपके गले की ब्रॉड 5 इंच है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हाफ में हम करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और जितना हमने आपको गले की डीप रखना है, उसमें मान लो आपको 7 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और जितना हमने ऊपर निशान लगाए 2 इंच पे, सेम वैसा ही हम नीचे भी 2 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और हम यहाँ पे जैसे जहाँ हमें दोनों निशान मिल रहे हैं ना, जैसे हम आर्म होल के लिए हम उसमें 1 इंच से गुलाई देते हैं, सेम उसी तरह से हम इसमें भी गुलाई देंगे। ये गला हम बिना बुकरम के बनाएंगे, तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। और जो हम निशान लगाया है आप देख सकते हैं, उसी निशान से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम गले लेंगे, इसको हम सीधी साइड से रखेंगे। और जो हमने कपड़ा लिया था, 2 इंच की पट्टी कट की थी, उसको वापस से दो इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह गले के ऊपर रखेंगे। और एक पैर का मार्जिन देते हुए हम पूरे गले को सिलाई कर देंगे। हमें बिल्कुल भी खींच के नहीं सिलना है इसको, इक्वल रखते हुए कमीज के कपड़े पर इक्वल रखते हुए इसको पूरे गले पर सिलाई करनी है। इस तरह से इक्वल मार्जिन देते हुए हमें सिलाई करेंगे इसकी। अब यकीन मानिएगा, इतनी फिनिशिंग से एकदम परफेक्ट गला बनकर तैयार होता है। बुकरम का गला बनाने में हमें बहुत टाइम भी लगता है, ये बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही फिनिशिंग से बनता है। कपड़े में ना ही हमें पट्टी में खिंचाव देना है और ना ही हमें कपड़े को खींच के सिलना है, बिल्कुल इक्वल रखते हुए सिलाई देनी है हमें इस तरह से। और बीच में छोटे छोटे इस तरह से सिलाई को छोड़ते हुए, सिलाई से पहले हमें कट लगा देना है। याद रखिएगा, सिलाई नहीं कटनी चाहिए वरना हमारा ये गला खुल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। अब हम इसको रखेंगे इस तरह से उल्टी साइड, कपड़े जो हमने पट्टी लगाई है ना, इसको इस तरह से अंदर साइड दबाते हुए सिलाई कर देंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, मैं तुरपाई नहीं करूँगी इसलिए मैं पक्की सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से हम पूरी गले पे सिलाई कर लेंगे। अगर हल्का फुल्का खिंचाव आता है या झोल आता है, मान लो कमीज का कपड़ा थोड़ा लूज आता है, तो हम पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए सिलाई कर देंगे। पहली बात तो इसमें कोई गड़बड़ आती नहीं है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है।
आप देख सकते हैं एक सूत भर का भी फर्क नहीं आया। अब हम यहाँ पे दाब सिलाई लगा देंगे, वो आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं यहाँ पे दाब सिलाई लगाऊंगी। और इससे मजबूताई भी आ जाती है, बाई चांस थोड़ा बहुत धागा कट जाए तो वो मजबूत हो जाता है। आप देख सकते हैं गला हमारा बनकर तैयार है। अब जैसे हमने फ्रंट गला काटा था ना, सेम उसी तरह से हम बैक गले को भी काट लिया है, देख सकते हैं आप, उतने ही मार्जिन से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम ये बैक वाला हिस्सा लेंगे, इसको सीधी साइड से रखेंगे और फ्रंट वाले हिस्से को हम उल्टी साइड रखेंगे, उल्टा कपड़ा हमारा ऊपर साइड होना चाहिए। और इस तरह आधे इंच का मार्जिन देते हुए, मिलाते हुए हम इसको सिलाई कर देंगे। दोनों साइड, दोनों शोल्डर्स को हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब दूसरी साइड जो हमने अंदर की साइड एक पैर का कपड़ा बचाया था, तो उतना ही कपड़ा इधर इस साइड भी बचाते हुए हम पूरे शोल्डर को मिलाते हुए सिलाई कर देंगे। तो एक पैर का कपड़ा हम जो इसमें बैक गला हम बनाएंगे उसमें कपड़ा सिलाई करेंगे, उसके लिए बचाया है। आप देख सकते हैं शोल्डर हमारा जुड़कर तैयार है। अब हम एक पट्टी और लेंगे, जैसे हमने फ्रंट गले के लिए काटी सेम उसी तरह से, ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट की है, वो हमने डबल करके सिला था, इसको हम सिंगल करके सिलेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जो सिलाई है शोल्डर की, उस सिलाई को नहीं दबाना, बिल्कुल सिलाई के पास पास में हमें सिलाई करनी है। हम फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से सिलाई कर, जो हमारा गला बन चुका है उसको हम पीछे साइड कर देंगे और बराबर मार्जिन देते हुए हम पूरे गले की सिलाई कर देंगे। जैसे हमने फ्रंट गला सिला था सेम उसी तरह से ही, फर्क इतना है इसमें हमने सिंगल डबल करके पट्टी नहीं लिए, सिंगल पट्टी लिए। इसमें भी हमें बिल्कुल खिंचाव नहीं देना, इक्वल करते हुए कपड़े को रखते हुए एंड तक सिलाई कर देनी है। और ये वाला जो लास्ट में जो ये शोल्डर जोड़ा था वहां पे भी हमें सिलाई नहीं, सिलाई वाली जगह पे नहीं दबाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सिलाई नहीं दबी है। हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर लेंगे, बीच में छोटे छोटे टुकड़े, सॉरी कट लगा देंगे। ये देखिए कट लगा लिया हमने। अब इसको हम इस जैसा हमने फ्रंट गला सिला था ना, उल्टे हाथ की साइड वाले हिस्से में इस तरह से कपड़े को जो सिलाई वाला मार्जिन था उसको अंदर बाहर की साइड रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा देंगे हम। वापिस से वही बात बोलूंगी, अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो कच्ची सिलाई लगाइएगा, वरना पक्की सिलाई कर दीजिएगा। मैं तुरपाई नहीं करूंगी इसलिए मैं पक्की सिलाई ही कर रही हूँ इस पर। इसको भी जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको अंदर की साइड इस तरह दबाते हुए पट्टी के बीच में हम सिलाई कर देंगे। आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी च्वाइस है। ये देखिए सेम इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अगर झोल आता है तो इसको थोड़ा खिंचाव डालते हुए हम सिल देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इसमें, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, एकदम बराबर सिलकर तैयार होता है। ये देखिए हमारा गला फ्रंट और बैक दोनों भी सिलकर तैयार है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और हमने सिलाई करते टाइम, सॉरी कटिंग करते टाइम ही यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्क लगाया था फिटिंग का, तो हम उस पर से सिलाई कर देंगे। अगर आप कटिंग करते टाइम निशान नहीं लगाते हैं तो इस टाइम पे आप नाप के और फिर यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा इस तरह से चौक से। अब इसी पर सेम जो मैंने मार्क लगाया हुआ है इसी पर मैं सिलाई कर दूंगी फिटिंग की। और यहाँ पे मैंने हिप पर ये कट लगाया है, दोनों कटों को मिलाते हुए हम इस तरह पक्का कर देंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड से सिल लिया है। अब हम इंच टेप से नाप के देखते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट आया है इस तरह से, बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। अगर एक सूत का फर्क भी नहीं आया इसमें, अगर आ भी जाता है एक सूत का फर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अब हम इसका दामन मोड़ेंगे,
मैंने कट का निशान लगा रखा था, तो उसी कट पे से इस तरह से 1 इंच को फोल्ड करते हुए हम सिलाई करेंगे। अगर आप तुरपाई करेंगे करते हो तो यहाँ पे कच्ची सिलाई कीजिएगा, वरना मैं तो पक्की ही करूँगी, मैं इस कुर्ते में बिल्कुल भी तुरपाई नहीं करूँगी कहीं पर भी। इस तरह से बराबर मार्जिन से ये कट वाले मार्क पर से ही हम इसको पकड़ेंगे और बराबर मार्जिन से सिलाई कर देंगे। अब दूसरे वाले पल्ले को पकड़ेंगे और सेम उसी तरह से कट पर से ही उसी तरह से 1 इंच का फोल्ड दे करते हुए हम सिलाई कर देंगे। अगर आप इस कमीज की कटिंग देखना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर से करना, मैं जरूर आपको इसकी कमीज की कटिंग की वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं इसको हम सिल देंगे पूरी तरह से। अब हमें दामन वाला कपड़ा जो हमारा मुड़ चुका है, अब हम साइड से चौक पट्टी जहां पर जिसको हम बोलते हैं इस तरह से 1.25 इंच का हम फोल्ड देते हुए सिलाई करेंगे। जहां पे हम चौक है वहां से हम स्ट्रेट पकड़ेंगे और बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ये बहुत ही फिनिशिंग से सिल जाएगा। इस तरह से मशीन को घुमाएंगे इस कपड़े को और वापस से आप देख सकते हैं फोल्ड करेंगे और वापस सिलाई लगा देंगे। फिर से आप देखिए मैं किस तरह से एकदम स्ट्रेट कर रही हूँ इस कपड़े को। नोक पर से आप पकड़ेंगे पूरा सिल जाएगा ये स्ट्रेट होकर। मैंने दोनों साइड से सिलकर इसको तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम बाजू लेंगे, बाजू के हमने मोरी पर निशान लगा रखा है, आप देख सकते हैं आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। और इस तरह फोल्ड करते हुए हम दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने कट का मार्क कर रखा है, तो कट पर से ही हम कपड़े को दबाएंगे और कट पर से दूसरी साइड से पकड़ेंगे, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। यहाँ से पकड़ने से स्ट्रेट पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर आएगा और हम सीधी सिलाई फटाक से कर देंगे इस पर। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी तैयार करेंगे। ये देखिए हमने दोनों बाजुओं को तैयार कर लिया है, हमने आप देख सकते हैं जैसे हमने कमीज को आगे की साइड से आर्म होल से छटाई की थी ना आधे इंच पे सेम, वैसे ही हमने बाजू की भी छटाई की है। जो छटाई वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट हिस्सा होगा और ये जिससे जोड़ आ रहा है ये हमारा बैक हिस्सा है। अब बाजू को हम इस तरह बिछाएंगे और कमीज को पकड़ेंगे, शोल्डर पे से जो हमने जोड़ा था ना इसको, उस ज्वाइंट को पकड़ेंगे और इस तरह से खींचते हुए बाजू को हम नापेंगे। और जहाँ पे हमारी बाजू की ये फिटिंग वाली कमीज की फिटिंग वाली सिलाई है वहां पे हम इस तरह से एक मार्क लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये मार्क जो हमने कटिंग करते टाइम हमने मार्क लगाया था उसी मार्क के इक्वल आया है और अब हम इसी पर से सिलाई लगा देंगे। मोरी वाले को जो हमारी मैं तैयार बाजू रखूंगी 5.25 इंच, तो हम यहाँ पे इंच टेप से नाप कर देख लेंगे। वैसे मैंने ये निशान लगा रखा है पर फिर भी हम एक बार नाप के देख लेंगे। ये देखिए हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह मार्क करते हुए हम इसको चौक से इस तरह मिला देंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम बाजू को पक्का करेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। अब हम एक बाजू को उठाएंगे, हम कमीज लेंगे और देखेंगे फ्रंट हिस्सा कौन सा है और बैक हिस्सा कौन सा है। फ्रंट हिस्से को हम फ्रंट हिस्से से मिलाएंगे और बैक वाले हिस्से को बैक हिस्से से इस तरह पकड़ते हुए मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए बाजू चढ़ाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट बाजू तैयार होंगी इस तरह से, बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। जितना हमारा आर्म होल था उतनी ही हमारी बाजू आ गई है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेंटर वाला हिस्सा था उसको शोल्डर से हम मिलाएंगे, बाजू के सेंटर को हम शोल्डर वाली जो सिलाई होती है उससे हम मिलाएंगे। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बराबर आया है,
ना बिल्कुल खिंचाव आएगा ना ही झोल आएगा इस तरह से लाई अगर आप बाजू लगाएंगे तो। मैंने बाजू के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बाजू चढ़ाने का पूरा डिटेल में समझाया है आपको, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हमारी बाजू एकदम फिनिशिंग से चढ़कर तैयार हो जाएगी। और जो ये हमारा मार्जिन का कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम एक साइड इस तरह अंदर साइड फोल्ड करते हुए और सिलाई करा लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारी बाजू तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी चढ़ा लेंगे। बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा इसमें और ना ही कोई खिंचाव आएगा। सेम इसी तरीके से हमने दोनों बाजुओं को चढ़ा लिया है। अब हम इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इससे पहले हम यहाँ पे जो फिटिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो मार्जिन देते हैं हम, उसमें इस तरह से आधा आधा इंच का, दो दो तीन तीन इंच पे हम इस तरह से कट लगा देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत फिनिशिंग से बैठती है, खिंचाव बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हम दोनों साइड कट लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए बहुत फिनिशिंग से हमारी बाजू तैयार है। हमारी कमीज सिलकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।